शंकर भगवान बोले थी तो चलो फिर पार्वती क्या किए सुरहो सिंगार मतलब कर ली खूब सुंदर से सज भज गए और पैर नहीं लगे तो नीचे आए बोले चलिए शंकर भगवान बोलते हैं देखो तुम तो सुरहो सिंगार कर ली है पैर क्यों नहीं लगे अच्छा नहीं लगा पर खुशी है पर क्यों नहीं लगती है बुझ जाती है क्या पार्वती बोली चलिए ना करो चलते चलते कहाँ आएगी हम आपका बेटी है रंगने वाली चलते चलते हम कहाँ भी पैर रंगवा लें निकलिए भ्रमण करना है घूमते कोई तो मिल जाएगा यहाँ बोली मेरा पैर रंग तो रंग देगा दोनों निकले घूमते घूमते चले एक जगह झोपड़ी था है लेडीज बैठी थी अंदर में बोलते कि कोई है इसमें झोपड़ी में कोई है हमारे घर में है बोलते हाँ 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 है ना हम है तो थोड़ा हम कोई निकलिए बाहर तो आपको थोड़ा पैर रंग दो क्या थोड़ा पैर रंगना है हमको भूल गई पर हाँ हाँ रंग रंग आइए ना अंदर आइए रंग वो क्या लेडीज करी पैर रंग दी आपको पैर रंग दी रंग के भगवान गौरी पार्वती चले गए निकल गए निकलने के बाद निकल के एक बार हाथ उठाए तो उनका झोपड़ी था हाँ तो महल बन गया कोठा या मालिक धन दौलत मार बन गया खूब दौलत से कोई किसी माँ को देवी के दुर्गा के भगवान जिसके हाथ लग जाए उसका घर में क्या चीज के कम हो गया तो वो उसको खूब धन हो गया फिर एक दिन दोनों शंकर भगवान पार्वती थी अपना घूम के लोग से लौट गए फिर बोले शंकर भगवान से हम चलते हैं थोड़ा चले हम घूमने जा फिर पार्वती से हमको कर ली हाँ हम भी चलेंगे पार्वती जी हम भी चलेंगे हमको लेकर चलिए साथ में बोले नहीं नहीं तू मत जाओ डेली कहाँ जाएंगे नहीं हम चलेंगे अच्छा चलो तैयार हो गए फिर पर रंगना भूल गई पर रंगना फिर निकले दोनों बोलते हैं कि शंकर जी बोले पार्वती तुम तो हर बार भूल जाते हो पैर से नहीं लगनी है फिर कहाँ जाओगे पैर लगवा अरे पार भूल छोड़ के ना चलिए ना चलिए ना भगवान बोले ठीक है चलो फिर जाते वही घर में गए हाँ वही घर में गए ये तो कोठा मालिक उन्हीं को दे तो है नौकर चाकर लग गए घर में पूरा नौकर चाकर है घर में मांगल जन मजूरा का पानी सुनी करने वाला खाना बनाने वाले झाड़ू पोछा कपड़ा हर कुछ पर घर में पर फिर वो तो रंगी नहीं थी पार्वती आए कोई है ना तो बोले हाँ हाँ है घर पुराना पूरा मेरा पैर रंग दो वही लेडीज बोलती है अरे बाप हम आपको कैसे पैर रंगेंगे हम खुद हमारे सब फेरक लगा है करने वाला दाई माई लगा है कोई मालिश करता है कोई पैर रखता है कोई हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कर रहा है और मैं आपको वो पैर रंग दू नहीं मैं नहीं कर रहा मेरा खुद करने घमंड आ गया फिर पार्वती शंकर जी अपना घमंड आ गया उसका फिर मन में आ ही जाता है किसी को हम आपको कोई गलत बोलते हैं बोलेंगे हम तो जवाब नहीं देंगे लेकिन अंदर में क्रोध हो जाता है तो उनको फिर वही हुआ कि जैसे थी वैसे हो गई क्रोध से उनका जैसे थी गरीब हाँ वैसा ही हो गई फिर वो चीज रहने हर हर महादेव।